भाषा एवं संस्कृति विभाग जिला शिमला द्वारा आज ऐतिहासिक गेटी थिएटर में जिला स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता को हमने दो वर्गों में बांटा है। एक वर्ग हमने स्कूली छात्र छात्राओं के किया है और दूसरा वर्ग जो है पेशेवर सांस्कृतिक दल है। स्कूली छात्र छात्राओं को इसलिए इन्वॉल्व किया है क्योंकि हमारे बच्चे जो है अपनी पहाड़ी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, इसलिए इसके संरक्षण और समर्थन के लिए हमने स्कूली छात्र छात्राओं को भी शामिल किया है। और पेशेवर जो सांस्कृतिक दल है इसी आशय से हम लेते हैं कि जितने भी हमारे राज्य या राष्ट्रीय स्तर के जो कार्यक्रम होते हैं उनको हम जो गुणवत्ता के आधार पर सांस्कृतिक दलों को भेजते हैं। भाषा के विभाग का हमेशा ये प्रयास रहता है कि नए रंगकर्मियों, नए नाट्यकर्मियों, नए नवोदित कवियों, साहित्यकारों को मंच प्रदान करना। आज के इस कार्यक्रम में लगभग 240 बच्चे भाग ले रहे हैं और पेशेवर दल जो हैं कम से कम 120 कलाकार भाग ले रहे हैं। द्वितीय स्थान प्राप्त किया वरिष्ठ श्रेणी में थ्यू जय श्री लोकनृत्य। Yes. Thank you. तो क्योंकि मैं भी दर्शक हूं सब बच्चों को, द्वितीय पुरस्कार भी सब बच्चों को और तृतीय पुरस्कार भी सब बच्चों को, क्योंकि सबकी प्रतिक्रिया एक से बढ़कर है। रियामी है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रूडू जोरदार कार्य होने चाहिए। सभी का पुरस्कार जल्दी से दौड़कर बच्चे आए। तालियां जोरदार तालियां होनी चाहिए। अरे पुरुष ये रोमन जाति के ट्रॉफी ले जाएंगे तो ये आवाज झूलती रहेगी। फिर से कहिए जोरदार तालियां इनके लिए। यह ऐतिहासिक पल होता है जिसको उत्सव की तरह मनाना चाहिए। एक बार फिर से तालियां। शुक्रिया। हमारी इस दिशा की ओर है। हाँ जी, कौन सा है इस दिशा में? तो जोर से कहिए तो बिल्कुल सही। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लखनऊ बजा जल्दी से आज बच्चे ज्योतिष की संस्कृति के लिए जोरदार तालियां। कुछ इस दिशा में ये भी कर रहा वो विद्यालय इस दिशा में था, ये विद्यालय इस दिशा में, थोड़ा नीचे उधर चले। बिल्कुल सही। राजकीय सभी बच्चों की परफॉर्मेंस को बेहद ही कठिन कार्य था। इस
होना नहीं चाहते, होना भी चाहिए, इसे मनाएं।